गुलबर्गा शहर में आम आदमी पार्टी गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए एस्पिरेंट सज्जाद अली नामदार लगातार ऑटो ड्राइवर्स के लिए मुख्तलिफ चौराहों पर ऑटो स्टैंड बनवा रहे हैं। शहर में अक्सर ऑटो स्टैंड ना होने से ऑटो ड्राइवर्स को कई मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऑटो ड्राइवर्स ने मौजूदा एमएलए और कॉरपोरेटर्स को अपनी परेशानी सुनाई, पर परेशानी हल करना तो दूर, इनकी बात सुनना भी जरूरी नहीं समझा गया है। आम आदमी पार्टी गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए एस्पिरेंट सज्जाद अली इनामदार से जब ऑटो ड्राइवर्स ने ऑटो स्टैंड की जरूरत को जाहिर किया तो ट्रैफिक पुलिस और कॉरपोरेशन कमिश्नर से मुलाकात कर शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर सज्जाद अली इनामदार के जरिए ऑटो स्टैंड बनवाया जा रहा है। ऑटो ड्राइवर्स के लिए ऑटो स्टैंड बेहद जरूरी होता है। जो काम एमएलए और कॉरपोरेटर्स ना कर सके वो काम सज्जाद अली इनामदार बड़ी आसानी से करते आ रहे हैं। पहले रेलवे स्टेशन, फिर अलन चेक पोस्ट, हमनाबाद सर्कल, हागरगा क्रॉस और अब खरगे सर्कल पर ऑटो स्टैंड बनाया जा रहा है। सज्जाद अली इनामदार के इस काम से शहर के तमाम ऑटो ड्राइवर्स काफी खुश हैं और इनकी तहनियत पेश कर शुक्रिया अदा किया गया है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय नॉर्थ कर्नाटका'स मोस्ट अवेटेड विंटेज रिट्रीट रिसोर्ट इज नाउ ओपन एट बिदर। विलास एंड कॉटेजेस, स्विमिंग पूल एंड कॉकटेल लॉन्च, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, बोट डाइनिंग, सनसेट व्यू पॉइंट, वेरियस सेल्फी पॉइंट्स एंड मच मोर। मैं गुलबर्गा शहर के आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले आवाम के लिए तमाम सहूलत यहाँ पर हो। आज हम यहाँ पर खरगे पंप पर, खरगे सर्कल में यहाँ पर एक ऑटो स्टैंड का जो है ना इब्तिदा करे, ओपनिंग करे, शुरू करे, इनॉग्रेशन करे। आज से यहाँ पर ऑटो ठहरने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी। इस रोड पे यहाँ से वहाँ तक खड्डे थे, टिब्बे थे, झाड़ थे, इसलिए इनको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं था। और यहाँ पर इस तरफ जो है ना एक बहुत बड़ा हईमास 6 साल से 7 साल से गिरा हुआ था। वो हईमास क्रॉस करके कोई जा भी नहीं सकते थे। कई लेडीज़ जो है ना रात में वो नहीं दिख के जो है ना गिरने लगे, तो ये कॉरपोरेशन को कंप्लेंट गए। इसके बाद हमारे ऑटो वाले तमाम भाई, हमारे आरिफ हैं, आमिर हैं, आनंद हैं, ये सब लोग जो है ना हमसे बोलने लगे, साहब आप हमनाबाद क्रॉस का, हमनाबाद चौक का तो ऑटो स्टैंड बना के दिए, हागर का क्रॉस का ऑटो बना के दिए, अलन चेक पोस्ट का ऑटो बना के स्टैंड बना रहे हैं, तो खरगे पंप के पास बहुत तकलीफ़ है और जो है ना ट्रैफिक वालों को भी इससे बहुत तकलीफ़ हो रही है, पुलिस ट्रैफिक पुलिस को, क्योंकि इनको जगह नहीं है इसलिए उन्होंने रोड पे ठहर रहे। रोड पर है तो ट्रैफिक को तकलीफ़ हो रही बोल के ऑटो वालों को उन्होंने वहाँ से निकाल रहे, तो जाने वाले आवाम टू व्हीलर्स को भी बड़ी तकलीफ़ थी। ये सारा देखकर मैं यहाँ पर आज हम जो कर रहे हैं ये पुलिस ट्रैफिक पुलिस की भी एक हमारे लिए हम ये मदद कर रहे हैं, हमारी ट्रैफिक पुलिस इसके लिए मदद है, क्योंकि अब ये तमाम ऑटो जो है ना यहाँ से कम 100 ऑटो ठहरे, जिससे 1 किलोमीटर रास्ता में साफ करा के मैं खुद कॉरपोरेशन के कमिश्नर को मिलके साफ करा के दिया, और ये जो पोल था बड़ा वो भी निकालने लगा कमिश्नर साहब को बोल के। तो मैं कमिश्नर कॉरपोरेशन का बहुत शुक्र गुजार हूँ, और ट्रैफिक पुलिस भी जो है ना उनके लिए मैं आप सहूलत किया हूँ। आपसे गुजारिश है, इंतजा है, ये ऑटो वाले गरीब रहते, इनकी रोज़मर्रा की 400 से 500 जो है ना इनकम नहीं है, 500 कमाए तो घर का खर्चा 700-800 रुपये आता है, इसलिए परेशान रहते हैं। इनकी ज़रा हिफाजत करें, इनकी ज़रा मदद करने का मकसद क्या है थोड़ा नज़रअंदाज करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़ाइन डालेंगे तो उनके बीवी बच्चे भूखे मरते, वो आपको नहीं बोलते, वो आपके बीवी बच्चे, उनके बीवी बच्चे जो है ना घर में शाम में जब भूख से मर ये भूख लगती है, या तो बच्चे स्कूल को जाते खुद कुछ उनके लिए खर्च के लिए नहीं है, तो बाप से माँ से शरारत करते रोते, तो ये आहट कहाँ पहुँचेंगी। इसको समझना है हमको, इनकी गरीबों की आहट क्या है, अगर ये कोई समझ सकते हैं गरीबों की आहट, तो हमारे श्री अरविंद केजरीवाल है, हमारे आम आदमी पार्टी है, उनके तहत आज हम यहाँ गुलबर्गा में भी आम आदमी पार्टी का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सारे शहर के ऑटो वालों के लिए सहूलत करेगी, टैक्सी वालों के लिए सहूलत करेगी। अभी दूसरा मेरा टारगेट है
गांधी लॉरी जो टर्मिनस है ठहरने का ट्रक टर्मिनल, वहाँ पर भी बहुत तकलीफ है। उसको जो मैं जो है ना नेक्स्ट मेरा टारगेट वहाँ होगा। नहीं ऑटो खूब बोले तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑटो की वजह से आम आवाम को फायदा कई का, चलने फिरने का, एक्सीडेंट कम होते, काफी गरीब जो है ना, मैं गरीब उसे बहुत हमदर्दी रखता हूँ और उनकी तकलीफ को मैं करीब से देखा है। तमाम गरीब के ऑटो वालों को क्या क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट के 28 ईयर सर्विस किया, तो हर अच्छे बुरे की ऑटो वाले की तकलीफ क्या है, मजदूर की क्या है, ये स्ट्रीट वेंडर जो है ना फ्रूट बेचते हैं उनकी क्या तकलीफ है। तो मैंने एक बार एक फंक्शन में सीधा सीधा पुलिस वालों को कहा था, तुम ये स्ट्रीट वेंडर वालों को स्ट्रीट ये फ्रूट के मर्चेंट को इतनी इधर से उधर भगाते तकलीफ देते क्या होते, थोड़ी सी अगर किसी को तकलीफ होती उनके पेट के लिए, उनको पेट भरने के लिए, उनके कमाई के लिए कुछ थोड़ी सी तकलीफ होती तो वो तकलीफ हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उनको तकलीफ मत दो। जैसा कि अब मैंने कहा, अगर तकलीफ देंगे तुम बिजनेस के नहीं करेंगे तो उस दिन का फ्रूट पूरा सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो कितना नुकसान होगा। फिर उन्हें वापस वो लेवल पे आने के लिए कई मशक्कत करना पड़ता है, किसी के लिए कर्ज लेना पड़ता है, किसी के पास से ब्याज से लेना पड़ता है, उसके बीवी बच्चे भूखे मरते हैं, किसी के पास जाके हाथ फैलाते हैं। ये मेरे गरीब लोग हाथ नहीं फैलाना, आम आदमी का मकसद है क्या है, हर आदमी जो है ना मियारी जिंदगी जीना, ऑटो वाले भी मियारी जिंदगी जीना, लारी ड्राइवर भी मियारी जिंदगी जीना, तमाम अमाम टैक्सी वाले भी मियारी जीवन जीना। तो टैक्सी वाले बहुत सारे हमारे साथ हैं, हमारे मेंबर्स हैं। आज मैं इन ऑटो वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आप मुझे काम नहीं दिए, आप मुझे बड़ापन नहीं देने की जरूरत है, आज आप लोग आपकी खिदमत करने का मौका दिए, ये बड़ा काम है, अल्लाह ताला भी इससे खुश होता है। नहीं मकसद काफी गरीब जो है ना, मैं गरीब उसे बहुत हमदर्दी रखता हूँ और उनकी तकलीफ को मैं करीब से देखा है। तमाम गरीब के ऑटो वालों को क्या क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट के 28 ईयर सर्विस किया, तो हर अच्छे बुरे की ऑटो वाले की तकलीफ क्या है, मजदूर की क्या है, ये स्ट्रीट वेंडर जो है ना फ्रूट बेचते हैं उनकी क्या तकलीफ है। मेरा नाम आरिफ बाबा, मैं नॉर्थ ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट आम आदमी। आज और एक खरगे पेट्रोल पंप पर ऑटो स्टैंड हमारे सज्जद अली नामदार साहब के हाथों से अमल में आया है, इसकी खुशी पूरे ड्राइवर हम बेहतर जानते हैं। बहुत साल से जो है यहाँ स्टैंड नहीं था, आज जो है इनके ज़रिए से हमारे गुलबर्गे में जो है पार्किंग की सहूलत मिल रही है। मैं तो आज तक खाली मार्केट यहाँ वहाँ थे, आज मिले हमको बहुत अच्छी बात है। कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब का भी हम शुक्रिया करते हैं कि हमको ये दिए परमिशन साहब के ज़रिए से, तो वो हिसाब से हम जो है गुलबर्गा DC साहब और गुलबर्गा कमिश्नर साहब जो गुलबर्गे में गुलबर्गा कमिश्नर साहब जो नए हैं उनसे गुजारिश है, 25 से 30 साल हुआ जो गुलबर्गे में ऑटो परमिट बंद है, हमारे जो गरीब आदमी हैं जो 20,000-25,000 शाबाद यहाँ से वहाँ से लेकर कर चला रहे, तो हमको हमारी मांग ये है कि गुलबर्गा परमिट चालू करो, ये पुराना कचरा साफ होता है, नए गाड़ियाँ रोड पे चलेंगे। तो हम यही जो है DC साहब से गुजारिश करते हैं, हमको गुलबर्गे में जो है परमिट अगर चालू हुआ तो हमको गरीबों को बहुत सहूलत होती है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सज्जाद साहब के डायनेमिक लीडरशिप में एक और नया ऑटो स्टैंड का इनॉग्रेशन हो गया है आज, तो मैं यहाँ के गुलबर्गा के आवाम के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे सज्जाद अली नामदार साहब का जो कारनामा है इसका भरपूर फ़ायदा आप लोग उठाएं, क्योंकि आप जो है देख रहे हैं कि कैसे कामयाबी मिल रही है, ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं ये मैं आम आदमी पार्टी का मैं मैनिफेस्टो के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार और देशभक्त और जो है नॉन करप्ट पार्टी है, और आप लोगों को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि इस पार्टी को आप लोग इसके मैनिफेस्टो को समझें, इसके आइडिया को समझें और इसमें आप लोग टाउन करें। गुलबर्गा मतदार हिरीयर गुरुगळे मुद्दु मक्कळे मत्तु युवकरे
ನಾನು ಈ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ದಿನ ನಾವು ಈ ಖರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೇಳೋದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಅಸಮಾನತೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೊರದಾಡಿಸಲು ನಾನು ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಎದ್ದರು, ಈಗ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮನ ಗೆಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡಿ ಇವನ್ ಆಟೋದವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ನಾವು ಅವರ ಮನೆಗೆದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಮತಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವುದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಂಪಿಗಳ ಎಂಎಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅವರ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಆಳವನ್ನು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದು ಸಲ ಅವಕಾಶ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ, ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವರನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ.